तो गाइस हमें यहाँ पे बाबा से जो हमें यूट्यूब पे नॉलेज नहीं मिलती है वो बाबा ने हमें यहाँ पे समझाई कि यहाँ पे क्यों धारी देवी मंदिर बोला जाता है या यहाँ क्या हुआ था कुछ साल पहले। बहुत सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगी, तो आप इस ब्लॉग को स्किप ना करें, इस ब्लॉग को पूरा देखें और जानें कि हमारे सनातन में कैसी कैसी चीजें, चमत्कारी चीजें कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब होती रहती हैं। इस झूठ है सच है वो आप समझ जाओगे वीडियो देखने से। और अगर बात हो ना बहुत मैनुपुलेशन चीज, तो हम अभी हम निकले हैं यहाँ पे धारी देवी मंदिर श्रीनगर, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं यहाँ पे माता धारी देवी माता का मंदिर है जो कि बीच गंगा में है। यहाँ की कुछ मान्यताएं हैं जो भी हमें अच्छे से नहीं पता। फिलहाल तो अभी हम वहाँ मंदिर के लिए निकल गए हैं, तो जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ दिखाते हैं आपको माता धारा देवी माता का मंदिर और मिलते हैं। हेलो गाइस, तो हम श्रीनगर से गुजर रहे थे तो हमें यहाँ दिखा एक झरना, काफ़ी खूबसूरत है, छोटा झरना है लेकिन काफ़ी अच्छा है। आपको दिखाता हूँ आपको नज़ारा यहाँ का, छोटा सा झरना। ये हमारा लंगूर गया एक, कितना गहरा है भाई? झरना हमारे दोस्तों को काफी पसंद आया बट मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इसमें स्नान नहीं कर रहा हूँ, हम देखेंगे कहीं और। वैसे तो गंगा जी में आज हमने बहुत स्नान किया है और स्नान करने की जरूरत तो है नहीं। अगले हफ्ते आते हैं ना साले। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर, हमने प्रसाद भी ले लिया और जो मंदिर है वो गंगा जी के बीच में है, मतलब आपको दिखाते हैं कैसा है। बहुत बढ़िया जगह ये मंदिर है माता का जो कि गंगा जी के बीच में है। ये हमारे कुछ फ्रेंड आगे आगे चल रहे हैं, काफी खूबसूरत जगह है ये। गाइस बड़ा प्यारा नज़ारा है यहाँ का, ये दो नमूने जा रहे हैं आगे जो कि ब्लॉगिंग में बकवास करते रहते हैं। गाइस ये है धारी देवी माता का मंदिर का द्वार और ये हम यहाँ से एंटर हो गए हैं। ये यहाँ पे गंगा जी, कितना खूबसूरत नजारा यार। गाइस हम पहुंच गए माँ धारी देवी मंदिर, क्या हवा चल रही है यार। अंदर मंदिर में फोटो वर्जित थी इसलिए हम अंदर की फोटो नहीं दिखा सक पाए आपको, लेकिन काफी अच्छा मंदिर है माता का।
कभी आप ऋषिकेश श्रीनगर आए तो यहाँ जरूर आए। पंडित जी एक बार बोलो, ये धारी देवी इसलिए बेटा धारी देवी इसलिए बोलते हैं, सामने गांव देख रहे हो? हाँ जी। ये धारी गांव है और धारी गांव द्वापर से है, पांडव लोग यहीं से स्वर्ग के लिए गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ वो भी माँ की पूजा अर्चना करके गए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य 2500 साल पहले यहाँ से जब गए थे तो वो सत्य को नहीं मानते थे, यहीं पर उनको सत्य का एहसास हुआ। उनके द्वारा जो स्तुति गई गई है वो यहाँ आरती गाई जाती है सुबह शाम। ये दक्षिण काली है, धारी गांव होने कारण का नाम धारी देवी पड़ा है। ये काली माँ है। अच्छा, काली माँ। काली माँ, काली जब शांत होती है वो स्वरूप है इनका, स्वयंभू होती है, खुले स्थान में रहने वाली, छत नहीं रहता इनके ऊपर। पहले भी जो है प्राचीन मूर्ति में पहले भी जो है खुले में थी, 10 साल यहाँ टमरेली में रहा, यहाँ भी खुले में थी और अब मूल स्थान में आ गई, अब यहाँ भी खुले में है। ये अभी पानी में आपको दिख रहा है, पानी में नहीं थी, चट्टान के ऊपर थी। बीच डैम का निर्माण किया, डैम के कारण जगह को डुबाया गया यूपी सरकार के द्वारा, आपने सुना होगा कि पड़ जाएगा उसी दिन पड़ जाएगा जिस दिन यहाँ इसको धोया गया ना, जो देवी देवी बात ये सत्य के साथ छेड़छाड़ करो, ये फैलो। हाँ। अभी भी बोल रहे हैं कि शक्ति बल हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, उसको निकाल के फेंकना है। 2013 में जिस शक्ति के साथ छेड़छाड़ की, 14 से उनके क्या हाल है और अब फिर चैलेंज कर रहे हैं, अब क्या हाल होगा भगवान जाने। वो तो यहाँ पर बेटा जो आए सरदार लेके लेके जाए। माँ की विशेषता है इसकी मूर्ति की, सुबह आपको बालिका जैसे हस्ती भी दिखाई देगी, दिन में युवा प्रौढ़ रूप दिखेगा, सायंकाल को आएंगे आपको बिल्कुल थका हुआ चेहरा इनका महसूस होगा। इनके ऊपर धूप भी पड़नी चाहिए, इनके ऊपर बारिश भी पड़नी चाहिए, इनको बंद नहीं किया जाता। भक्तों ने पहले मंदिर बनाया लेकिन 2 बार ध्वस्त हुआ, ये गवाह है यहाँ पर कितने बुजुर्ग है। तो देवी जो है खुले में रहने वाली, खुला पसंद करती है, इनको नहीं चाहिए था महल बनाया हुआ, लेकिन हम लोगों द्वारा बनाया गया जबरदस्ती के कारण इसका फल हमने भुगता है। माँ पुनः उसी स्थान पर, क्योंकि पिछली सरकार ने लैंडर को कर रखा था माँ को 10 साल कॉलम में लैंडर डाले, लेकिन नई सरकार ने कंपनी में प्रेशर डाल के उसी स्थान उच्चीकरण किया और माँ को जो है ठीक सावन में 25 मीटर ऊपर अभी 28 जनवरी 2023 को माँ विराजमान हुई है इसी पिछले साल। माँ की विशेषता उस चट्टान की क्या थी, बिल्कुल चट्टान शेर की आकृति की हुआ करती थी। उस चट्टान के ऊपर एक कनेर का वृक्ष हुआ करता था, जो कि हमने हमारे पिताजी ने दादाजी ने इनके भी पिताजी दादाजी ने ऐसे ही उसको देखा होगा, जो कि ना बड़ा हुआ ना कम हुआ, लेकिन 12 महीने वो हरा भरा रहता था। ऊपर माँ के ऊपर पुष्प वर्षा होती थी, कनेर रसाल को पुष्प कम पोजयान जगदीश्वरी ने प्रसिदा माता प्रिय बोल। मैं आपको दिखाता हूँ जो पुरानी फोटोग्राफ मेरे पास है, जो चट्टान की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल शेर की आकृति की आपको दिखाई देगी, शेर बैठा हुआ है और माँ शेर क्या है, ये देखो ध्यान से देखिए, ये गर्दन है, ये बैठा हुआ शेर है, ये पूंछ है पीछे, ध्यान से देखेंगे। अच्छा हाँ। इस साइड गर्दन है, ये परिक्रमा बनाई थी, ये पाँव ये थोड़ा सा वो हो गया था, ये बैठा हुआ शेर बिल्कुल, ये पेड़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, अब ना यहाँ मट्टी है ना कुछ है, पत्थर के ऊपर पेड़ है, इसको कहाँ से वनस्पति मिल रही, कहाँ से इसको जीवन शक्ति मिल रही है, समाधि के तो इस प्रकार से हमारे जो है देवस्थानों के द्वारा छेड़छाड़ करने का नतीजा देख ही लिया है। और अभी भी सनातन के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, मैं सभी से जो है ये अपील करता हूँ कि हमारा सनातन ना कभी मरा है, ना उसका अंत हुआ है ना कभी होगा। हाँ, विरोधी हैं, हुए हैं, कुछ दिन रहे हैं फिर चले गए, इसलिए सनातन का जगह जगह प्रचार करो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अगला कंटेंट है मार्केटिंग कर लेंगे। तो गाइस अभी हम धारी देवी माता मंदिर से, अब हम जो खाना, अब हम हमारा नेक्स्ट स्टॉप है देवप्रयाग जाएंगे। तो धारी देवी माता का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करेंगे
और व्लॉग को पूरा देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।